हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर ऑफ थ्रेड्स। आज मैं आपसे प्लाजो बॉटम पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम पिंटक्स और कटवर्क से तैयार करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर हिट करना है आपको, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। और इस तरीके से डिज़ाइनिंग के लिए मैंने फैब्रिक के दो पीस लिए हैं। इस वाले फैब्रिक को मैंने डिज़ाइनिंग के लिए अलग से चूज़ किया है, और ये वाला फैब्रिक मैंने प्लाजो में से ही कट किया है। और इसकी चौड़ाई है 3 इंच, और इस वाले फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच, और लंबाई आपके जितनी प्लाजो का बॉटम है आपका उतना ही आपको लेना है। और फैब्रिक के उल्टी साइड पर इस तरीके से मैंने पेस्टिंग चिपका दी है प्रेस की हेल्प से। और पेस्टिंग लगने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच पर हमें सीधी सीधी मार्किंग करनी है दोनों पट्टियों पर। और मार्किंग होने के बाद हमें यहाँ पर कटवर्क ड्रॉ करने हैं दोनों पट्टियों पर। कटवर्क के लिए मैंने इस तरीके से 2 इंच का बुकरम का पीस लिया है, और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से नीचे से हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है, और यहाँ से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। और इन दोनों निशानों को स्केल के साथ आपस में मिला देंगे इस तरीके से, और इसे आप कट कर लेना है। और कटने के बाद इस तरीके से हमारा जो पैटर्न तैयार हो जाएगा। और जो पट्टियां हमने पहले तैयार करके रखी थी, इस तरीके से एक पट्टी को मैंने लिया है, और यहाँ पर हमने 1 इंच छोड़ने के बाद अपने इस तरीके से पैटर्न को रखेंगे। और पैटर्न को बिल्कुल लाइन के ऊपर रखना है इस तरीके से, और बीच में हमें मार्कर के साथ कटवर्क ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से कटवर्क ड्रॉ कर लेंगे। एक कटवर्क हमारा ड्रॉ हो चुका है, इसी तरीके से आगे भी कटवर्क हमें बना लेना है, और बिल्कुल साथ में आपको दूसरा कटवर्क बनाना है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़नी है कटवर्क में। और इसी तरीके से दोनों पट्टियों पर हमें कटवर्क ड्रॉ कर लेने हैं। और इस तरीके से दोनों साइड्स पर 1 इंच छोड़ने के बाद बीच में मैंने कटवर्क ड्रॉ कर लिया है दोनों पट्टियों पर। पहले हमें ये वाली 3.5 इंच वाली पट्टी को तैयार कर लेना है, और यहाँ पर मैंने सेम साइज़ का इसी का कपड़ा लिया है। और कपड़े की सीधी साइड पर हमें कटवर्क को इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर जो नीचे हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ पर एक रफ सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा कपड़ा सेट हो जाएगा। इस तरीके से सिलाई लगने के बाद हमारा कपड़ा जो है सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जो कटवर्क ड्रॉ कर रखे थे यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, और यहाँ पर हमने जो 1 इंच की स्पेस छोड़ी थी यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद हमने जो कटवर्क ड्रॉ कर रखा है बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स, आपको जो सिलाई लगानी है बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही लगानी है, तभी आपका पैटर्न अच्छे से तैयार हो पाएगा। इस तरीके से सारे कटवर्क पर हमने सिलाई लगा ली है, और यहाँ पर नीचे जो कटवर्क में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ने के बाद कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटने के बाद यहाँ पर हमें बीच में छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं बिल्कुल कॉर्नर में, और ध्यान से कट्स लगाने हैं। यहाँ तक हमारी सिलाई है, वहाँ तक हमें कट्स लगाने हैं, पर ध्यान रहे आपकी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। और कट लगने के बाद इसे इस तरीके से सीधा कर लेना है, और किसी भी पिन वगैरह से कॉर्नर को अच्छी तरीके से बाहर निकाल लें। टी हमने सीधी करने के बाद अच्छे से प्रेस करने के बाद इसे तैयार कर लिया है। इसके बाद मैंने प्लाजो का बॉटम लिया है, और यहाँ पर दूसरी पट्टी को लिया है। इस पट्टी को प्लाजो के सीधी साइड पर हमें इस तरीके से रखना है, यहाँ पर नीचे रफ सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगने के बाद जिस तरीके से हमने पहले कटवर्क पर सिलाई लगाई थी बिल्कुल इसी तरह से हमें सिलाई लगा के कटवर्क तैयार कर लेने हैं। इस तरीके से प्लाजो के बॉटम पे हमने कटवर्क तैयार कर लिया है। इसके बाद प्लाजो के फैब्रिक में से हमें 5 इंच चौड़ा इस तरीके से फैब्रिक लेना है, और लंबाई आपको थोड़ी ज़्यादा ही लेनी है, क्योंकि हमने इस पर पिंटक्स बनाने हैं। पिंटक्स लगने के बाद इसकी लंबाई काफ़ी कम रह जाएगी। तो इस तरीके से कपड़े को हमने 1/2 मार्जिन पर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। एक पिंटक्स बन के हमारा तैयार है, तो बाकी के फैब्रिक पर इसी तरीके से हमें पिंटक्स बनाने हैं। 1/2 इंच के गैप पर इस तरीके से सारे फैब्रिक के हमें पिंटक्स बना लेने हैं, और सारे पिंटक्स बनने के बाद हमें इसे प्रेस के साथ एक तरफ बिठा देंगे इस तरीके से।
इस तरह से हमने पेंटक्स एक तरफ सेट कर लिए हैं और यहाँ पर पीछे मैंने पेस्टिंग भी चिपका दी है। और इसके बाद हमने इसी साइज़ का दूसरे वाला कपड़ा लेना है और इस कपड़े को हमने पेंटक्स के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से ऊपर रखने के बाद यहाँ पर एक पैर के मार्जिन पर हमें सिलाई लगा देनी है सीधी। और सिलाई लगने के बाद ऊपर की जो फैब्रिक है उसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर थोड़े से मार्जिन पे हमें छोड़ के यहाँ पर एक पाइपिंग की तरह कपड़े को बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे हमें एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमारे जो पेंटक्स के नीचे हमने पाइपिंग निकाल दी है और यहाँ पर जो ओपन वाला फैब्रिक है यहाँ पर भी हमें इसे सिलाई लगा के बंद कर देना है। और सिलाई लगने के बाद यहाँ पर जो हमने पहले कटवर्क तैयार किए थे इन कटवर्क को लेना है, जो प्लाजो वाले कटवर्क को दूसरे कटवर्क के ऊपर रखना है इस तरीके से। और दोनों कटवर्क के बीच में यहाँ पर 1/4 इंच का स्पेस छोड़ते हुए हमें पिंस के साथ इस तरीके से कटवर्क को सेट कर लेना है। और जब दोनों पट्टियाँ हमारी सेट हो चुकी हैं यहाँ ऊपर वाला जो पेंटक्स है यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर कटवर्क को हमने सेट कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर हमने जो पेंटक्स वाली पट्टी तैयार की थी इस पट्टी को इस तरीके से पेंटक्स के नीचे रखते हुए यहाँ पर एक पैर के मार्जिन पर हमें सिलाई लगा देनी है बिल्कुल सफाई से। इस तरीके से सिलाई लग गई है। अब यहाँ पर जो दूसरे वाले पेंटक्स थे ना नीचे वाले यहाँ पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। अगर फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से प्लाजो बॉटम का डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है और पेंटक्स में इस तरह से बीच बीच में मैंने मोती इंसर्ट किए हैं और प्लाजो पहनने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा।